श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होंठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर है सुकमा जिले कोंटा से, जहां पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश लोगों को दिया। वहीं SDOP कृष्ण कुमार पटेल ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुशासन का पालन नहीं करता है और अनावश्यक घूमते हुए पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोंटा में कोरोना COVID-19 के चलते आज कोंटा पुलिस लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में जानकारी दी। कोंटा SDOP कृष्ण कुमार पटेल एवं TI आशीष राजपूत, सब इंस्पेक्टर सत्यवादी साहू के हाथों बाजार एवं अन्य जगहों पर मुफ्त मास्क वितरण किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गई कि अनावश्यक बाहर ना निकलें। SDOP कृष्ण कुमार पटेल ने साफ तौर से कहा कि अगर लोग अनावश्यक घूमते पाए गए तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण कुमार पटेल ने कहा कि धारा 144 लगा है, ऐसे में कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोंटा नगर विभाग में आज जो बाज़ार लगता है वहाँ पे बहुत लोग बाहर से आते हैं और जिनके पास मास्क की उपलब्धता नहीं होने पर यहाँ कोंटा के पत्रकार बंधु कारुकली और उनके जो मामा जिन टेलर के द्वारा इनको बनवाया जा रहा है और प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों में मास्क बांटा जा रहा है। और आज इसी तारतम्य में हम मार्केट में जो भी बाहर से सब्जी बेचने आते हैं उनको वितरण किए हैं और साथ में ही उनको हिदायत दिया गया है कि आज के बाद जब भी मार्केट में आएँ तो पहन के आएँ। अभी लॉकडाउन चल ही रहा है और सभी को हिदायत दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और क्योंकि शासन द्वारा 12 बजे तक सामान खरीदी का वो है परमिशन है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति आना जाना कर रहा है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और अगर मेंटेन नहीं करते पुलिस के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कोंटा में जो भी एक दो केस बन चुके हैं जो कि अपराध के दायरे में आते हैं, शासन की जो आदेश है उनका उल्लंघन में 188 अपराध पंजीबद्ध की जाती है और यह बताना भी जरूरी है क्योंकि 188 गैर जमानती यह है और उनको जेल भी जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए आम जनता से अनुरोध है कि वो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें और शासन के नियमों का पालन करें।